KRK is known for his straightforward statements, and after his call tape releases, he immediately took a press conference to clear those allegations. प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अजय देवगन पर निशाना साधते हुए कहा कि अजय मेरे कंधे पर बंदूक रखकर करण जौहर को निशाना बना रहे हैं। वो अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रख के करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं। वो वही जो पैतरे उन्होंने उस वक्त आजमाए थे वही वो दोबारा करना चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में ये साबित करे कि देखे करण जौहर ने कमाल खान को पैसे दिए और हमारे खिलाफ ये किया और ये फेयर नहीं है, कॉम्पिटिशन में ये फेयर नहीं है। तो उनका निशाना कोई और है बट वजह सिर्फ वो मुझे बीच में घसीट के तब करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट करण जौहर को निशाना नहीं बनाना चाहते। हम आपको बता दें कि फिल्म शिवाय और ए दिल है मुश्किल एक ही डेट पर प्रदर्शित हो रही है। शायद ये भी एक बड़ी वजह है करण और अजय के विवादों की।